I Neetu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video we study about a model of parts of a leaf. In this video you have seen a diagram of a leaf and its part. We know that leaf have a different parts and also a very important part of a plant. The basic part of all leaves are same. But they are different in their shapes and sizes. Okay, अब जैसे आपको पता है जो leaf होता है अलग अलग sizes के होते हैं, लेकिन उनका जो parts होते हैं वो same होते हैं. जो basics part होते हैं जैसे आपका veins, midrib, lamina, petiole, ये सब क्या होंगे, उसके same होंगे, लेकिन उनका size और shape जो है leaves की different होती है. जैसे आपके एक पीपल के पेड़ के लीव्स का अलग स्ट्रक्चर होता है, एक नीम के लीव्स अलग होती है. तो उस हिसाब पे जो लीव्स है उसको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है शेप और साइज के बेसिस पे. सो टुडे इन दिस मॉडल स्टूडेंट्स यू स्टडी अबाउट अ बेसिक पार्ट ऑफ अ लीव. जो कॉमन लीव मतलब कोई भी लीव, उसके कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं. सो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो स्टडी दिस. जो मिडल पोर्शन ऑफ द लीव इज नोन एज मिडरिप. अब ठीक है, अब ये जो मिडल पोर्शन है, बीच का पोर्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, मिडरिप कहते हैं. ठीक है, क्या मिडरिप. अब मीडियम क्या है, मिडरिप इज द कंटिन्यूस ऑफ पिट्योल इन द सेंटर ऑफ द लीफ. अब क्या कह रही है, जो आपका पिट्योल है, ठीक है, ये जो स्ट्रोक होती है, डंडी होती है, वो क्या करती है, आपकी स्टेम और लीफ को कनेक्ट करके रखती है. तो इस पिट्योल से सीधे जो लाइन जाती है मिडल में, उसे हम क्या कहेंगे, मिडरिप. मिड का मतलब है बीच में, रिप एक लाइन, तो बीच में जो लाइन जाती है लीफ की, किसी भी लीफ के बीच में, उसे हम क्या कहेंगे, मिडरिप बोलते हैं. ठीक है, तो क्या होगा, मिडरिप इज द कंटिन्यूस ऑफ पिट्योल इन सेंट्रल वेन ऑफ द लीफ. स्मॉलर लीफ और वेन्स ग्रो फ्रॉम द मिडरिप. अब क्या कह रहा है, मिडरिप है वो बीच में होती है और मिडरिप से स्मॉलर वेन्स गुजरती है, बहुत सारी लाइन्स गुजरती है. तो अब ये वेन्स क्या होती हैं, वेन्स क्या, वेन्स या फिर नेटवर्क ऑफ वेन्स. तो वेन्स क्या होगी स्टूडेंट्स, ए नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग वेन्स. इस टाइप की जो लाइन जा रही है लीफ के अंदर काफ़ी सारी बारीक बारीक, मिडरिप से जो बीच की रेवे, उससे जो वेन्स निकलती है, लाइंस निकलती है, उसे हम कहते हैं वेन्स. जो वेन एक फॉर्म है, सपोर्टिंग फ्रेम फॉर्म करती है एंड आल्सो सर्व्स टू ट्रांसपोर्ट रॉ मटीरियल्स एंड मिनरल्स एंड आल्सो फूड आउट ऑफ द लेमिना. अब ये जो लीफ से वेन है वो हेल्प करती है फूड को, मिनरल को ट्रांसफर करने में. ठीक है, तो आपका देखिए क्या है, आपका यहाँ पर मैंने दे रखा है, वेन ट्रांसपोर्ट वाटर फूड एंड मिनरल्स. जो वेन होता है आपका क्या करता है, वाटर फूड और मिनरल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, ये वेन है. अब जो ये तो सिंगल एक वेन है, अब ये जो इतनी सारी वेन आपको डायग्राम में दिख रही है, शो हो रही है इस मॉडल में, इसमें इससे ये पता चल रहा है कि जो वेन है हम उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क ऑफ वेन, मतलब एक जाल. देख रहे हैं अलग अलग जगह से, आपकी हर जगह से वेन के अंदर से भी और वेन्स निकल रही है. तो ये सब क्या है, नेटवर्क ऑफ वेन्स है. ये सारी क्या है, सबको जब हम मिलाएंगे तो ये क्या होगी, एक नेटवर्क होगी, नेटवर्क ऑफ वेन्स बनाती है. ठीक है, तो आपका हो गया मिडरिप हो गया, वेन हो गया, नेटवर्क ऑफ वेन्स हो गया. अब क्या है लेमिना, तो लेमिना क्या है, ये जो फ्लैट ग्रीन पोर्शन दिख रहा है लीव्स का, जो ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैट होता है पोर्शन लीव का, उसे हम क्या कहेंगे, लेमिना कहेंगे, या फिर हम लेमिना को लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं. लेमिना क्या, लीफ ब्लेड. और जो ग्रीन पोर्शन होता है लीव्स का, उसे हम क्या कहते हैं, लेमिना बोलते हैं. ये जो ग्रीन पोर्शन है ये पूरा क्या होगा, वेन को हटा के, अगर वेन ना हो तो ये जो बीच वाला पोर्शन, ये सारा, ये आपका, ये सारा क्या है, आपका लेमिना है. ठीक है, अब लेमिना के बाद है आपका मार्जिन्स. मार्जिन्स क्या होती है, जो स्टूडेंट्स आपके मार्जिन्स के जो किनारे होते हैं किसी भी लीफ के, ये देखिए ये मार्जिन्स है, ये जो है आपकी जो बाहर के लीफ की जो शेप, बाहर से कटिंग कैसे होती है, सिंपल होती है या फिर ऐसे स्पाइंस लाइक के बाहर होते हैं, तो ये बाहर की जो, अब बाहर की जो लाइन है, ठीक है, बाहर जो आफ्टर कवरिंग आप देख रहे हैं, आफ्टर लाइन देख रहे हैं, उसे हम आउटर लाइन को हम बोल रहे हैं मार्जिन्स बोल रहे हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए अभी लीफ है, अब इस लीफ को ऐसी कौन सी चीज़ है जो लीफ को आपकी स्टेम के साथ कनेक्ट रखती है, तो जो लीफ है और स्टेम को आपस में जोड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, पिट्योल. तो पिट्योल क्या होता है, पिट्योल इज़ अ नैरो लाइक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर, नैरो बहुत पतला और स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर लंबा स्ट्रक्चर होता है, जो क्या कनेक्ट करता है लीफ को स्टेम से, जो पत्तियाँ होती है उसको स्टेम से कनेक्ट करता है. ठीक है, अब ये देखिए एक एक स्टेम से कितनी सारी क्या हो रही है, आपकी लीव्स निकलती हैं. तो अब ये जो है आपका
ये हिस्सा, ये क्या है, लीफ बेस है। अब इस लीफ पिट्यूल के अलावा कुछ और चीज़ें निकल रही, एक्सिलरी बड। ये जो एक्सिलरी बड स्टेम से ही अराइज होते हैं, स्टेम के नोड से अराइज होते हैं। जो स्टेम में आपने पढ़ा है नोड इंटरनोड, तो स्टेम का जो नोड है पोर्शन है उससे ये पिट्यूल अराइज होता है। तो उस नोड से कुछ एक्सिलरी बड, अब ये जो एक्सिलरी बड आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये पिट्यूल लाइक स्ट्रक्चर, अब ये आगे जाके एक नई लीफ बनाते हैं इधर ये वाले। तो इसे हम बोल रहे हैं ये जो आपका लीफ दिख रहा है ये आपका क्या है, एक्सिलरी बड है। ये आपका छोटा सा स्टेम है, स्टैम से आपका पिट्यूल कनेक्ट है जो लीफ और स्टैम को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो आपको कुछ बेसिक आपको मैंने बताया गया है यहाँ पे। देखिए आपका वेन क्या है, दी वेन ट्रांसपोर्ट वाटर फूड एंड मिनरल्स। जो वेन्स होती हैं नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग, वो क्या करते हैं, फूड मिनरल्स और वाटर को ट्रांसफर करती है। उसके बाद जो मिडरिप होती है, क्या मिडरिप ऑन आइदर साइड ब्रांचेज आउट एज वेन्स टू फॉर्म अ नेटवर्क। अब ये जो मिडरिप है बिल्कुल बीच में होती है, लीफ के बीच बीच में होता है और क्या होता है, थोड़ा थिक होता है। अभी मिडरिप ही है, इस मिडरिप से ही वेन्स का एक नेटवर्क बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका दी फ्लैट ग्रीन पोर्शन ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना और लीफ प्लेट। जो फ्लैट पोर्शन होता है आपका ये वाला जो पतला सा, देखिए ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है आपका पूरा ग्रीन पोर्शन लीफ का जो फ्लैट पोर्शन है वो सारा लेमिना है, ये आपका पूरा लेमिना है। लेमिना के ऊपर ही आपको वेन्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका लीफ का लेमिना है, ठीक है। तो इसलिए जो आपका फ्लैट ग्रीन पतला सा पोर्शन है आपका वो लेमिना होगा। नेक्स्ट द लीफ ग्रोज ऑन द स्टेम ऑफ अ नोड, इट इज अटैच टू स्टेम विद द हेल्प ऑफ पिट्यूल। अब क्या कह रहा है, कोई भी लीफ किसी भी स्टेम से, किसी भी स्टेम से जो स्टेम आपकी लीफ ग्रो हो रही है, एक वो कहाँ से होती है, एक नोड से होती है। आपको पता है स्टेम के अंदर क्या होते हैं, नोड इंटरनोड सब होती है। तो अब इस स्टेम से जो पिट्यूल निकल रहा है, अराइज और लीफ निकल रही है, वो नोड से, सिर्फ और सिर्फ नोड से ही अराइज होती है, ठीक है। इट इज़ अटैच द स्टैम विद हेल्प ऑफ पिट्यूल। अब क्या कह रहा है, ये इस लीफ को स्टैम से जोड़े रखती है पिट्यूल की मदद से। अगर पिट्यूल ना हो तो क्या होगा, आपका लीफ और स्टैम क्या कनेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए पिट्यूल चाहे लार्ज बड़े हो, चाहे छोटे साइज के भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पिट्यूल कंटिन्यूस इन द लीफ एज ए थिक मिडरिप इन द सेंटर। अब क्या कह रहा है, अब ये जो पिट्यूल स्टैम से अराइज होके, ठीक है, एक क्या करता है, आगे तक कंटिन्यू, जहाँ तक लीफ का लास्ट पॉइंट है वहाँ तक कंटिन्यू होता है पिट्यूल, ठीक है। किसके रूप में, एक थिक मिडरिप, थिक मिडरिप मतलब जो मिडल पोर्शन है लीफ के बीच का, सेंटर पोर्शन है, वहाँ तक कंटिन्यू करता है पिट्यूल, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये टुडेज आप ये जो मॉडल है जो आपको स्टडी करना है और आपको बनाना है, ईजी मॉडल है, ईजी टू यूज़, या फिर आप स्टडी करने के लिए ईजी है आपको, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Hello student, in this video we discuss how to working with MS Word. First we have to open MS Word. Now MS Word is open. Top one is title bar and this one is menu bar. All are the icons, these are used for various functions. Okay, now we discuss about home menu bar. In this various icons are given. They perform many functions. Our first one is this icon. This icon is used for change the writings of text. For example, we have this text. We want to change the writing of that text. First we have to select that. If your text is selected, then it's seen in blue color. Okay. Now select any writing, see in background, writing will be changed according to selection, okay. You want to select anyone writing. Now next option is this one. In this option we can change the size of text like that, see in background of the option, our text will be increase or decreasing size, okay. Here we see B alphabet, that is used for bold any text, that is our selected text. By clicking on B it's showing bold letters. Bolds mean unka size thoda bold ho jana, means mota ho jana. Next one is I is used for italic.
थोड़ा टेढ़े अक्षर के लिए यूज होता है। नेक्स्ट वन इज अंडरलाइन, यू यू इज यूज फॉर अंडरलाइन। यू सी इन आवर टेक्स्ट देयर विल बी ए लाइन इन द टेक्स्ट। आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज ए बी सी, बाय क्लिकिंग ऑन दैट आवर टेक्स्ट विल बी कट। By undo that operation by again clicking that. All the option undo if you don't want to change. अगर आपको इनमें change नहीं करना है तो आप इन पर double click करेंगे तो ये दोबारा से अपने उसी format में show होंगे। Next one is color. This option is used for change the background color of the text like this. You can select any color for the background. Okay. Now next option is for font color change. Means जो आपने text write किया हो उसका color change करने के लिए you can choose any color. First you have to select the text. By select that and select any color like that. You see in the background the color of the text will be change. ओके डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हमने जो भी फंक्शन अप्लाई किए हैं अपने टेक्स्ट पे, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दैट फंक्शन ऑन द कंप्यूटर सिस्टम और लैपटॉप। ओके स्टूडेंट, दैट इज योर रिटर्न वर्क। शॉर्टकट की यूज क्या हुई है इसमें, बी यू एन आई। मीन्स समटाइम आपका माउस वर्क नहीं करता है तो यू हैव टू यूज कीबोर्ड बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट कीज। कंट्रोल प्लस बी, सबसे पहले मैटर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल प्लस यू से अंडरलाइन हो जाएगा एंड कंट्रोल प्लस आई से इटैलिक हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू ओपन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड को ओपन कैसे करते हैं, समटाइम हमारे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी एमएस वर्ड होता है, उस पर डायरेक्ट क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हैं, बट अगर नहीं होता है इन केस दैट यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन और प्रोग्राम एमएस ऑफिस देन एमएस वर्ड। ओके थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हेलो स्टूडेंट, टूडे वी विल स्टडी अबाउट जीके फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक एग्जाम NTSC, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल एटसेट्रा। ओके आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं उनका ऑर्डर क्या है। फर्स्ट पे कौन है, मरकरी, सेकंड पे वीनस, थर्ड पे अर्थ एंड फोर्थ पे मार्स। नेक्स्ट वन इज जुपिटर, देन सैटर्न एंड देन यूरेनस एंड नेपच्यून। ओके इट मीन्स जो हमारा सन है उसके बिल्कुल नियर बाय कौन सा जो प्लेनेट है वो है मरकरी। ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी स्टार्टेड द दांडी मार्च इन विच ईयर। उन्होंने दांडी मार्च कब स्टार्ट किया था, 22 मार्च 1930। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फेमस गंगा सागर मेला एंड एनुअल फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो गंगा सागर फेयर है वो कहाँ पे लगता है, वेस्ट बंगाल में। ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज नोन एज द इंडियन नेपोलियन। इंडियन नेपोलियन के नाम से कौन जाना जाता है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट वन इज विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। आंसर इज फीमर और इसको क्या बोलते हैं, थाई बोन। ओके आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया। फर्स्ट बायोस्फीयर का है जो इंडिया में रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, लोकेटेड इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसने दी थी ये थ्योरी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज हिंदी दिवस वाज सेलिब्रेटेड। कब मनाया जाता है, 14 सितंबर एवरी ईयर। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्क्रिप्ट फॉर लैंग्वेज हिंदी। आंसर इज देवनागरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज अर्थ डे सेलिब्रेटेड। अर्थ डे मींस जो धरती दिवस है वो कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल एवरी ईयर। ओके डियर स्टूडेंट,
Learn all these questions day by day and write in your GK notebook. Good morning, students. Welcome to our online YouTube channel. So, from today, we are going to study reasoning that will helpful for you to in your competitive exam. So, let's start with the first topic, that is alphanumeric series. Alpha मतलब होता है alphabetically A to A B C D up to so on Z, and numeric मतलब क्या होता है numbers. So उन दोनों का combination, उनसे हमारे पास क्या होगी एक series form होगी और उसको हमें क्या करना है यहाँ पे study करना है. Now firstly alphanumeric में हम firstly क्या करेंगे alphabet की numbering करेंगे. ठीक है, तो A will be at the place of 1, B will be at the place 2 and up to so on numbering लिख लें. ठीक है, इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फर्स्टली हम क्या करते हैं ए बी सी डी अप टू सो ऑन जेड और उनके नंबर्स लिखते हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट हमारे पास ये इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर. रिवर्स ऑर्डर मतलब क्या होता है, ये हमारे पास क्या है सिंपल ऑर्डर है और रिवर्स क्या हो जाएगा इसका जस्ट अपोजिट. मतलब कि अगर जेड 26 पे है तो अब किस पे हो जाएगा 1 पे, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये क्या हो जाएगा हमारे पास रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, so which will be the eighth letter to the right of O. firstly यहाँ देखो, यहाँ पे अब हमारे पास H word है. H word के अगर हमारे पास right में पूछे तो right में होगा इधर की side, left में पूछे तो इधर की side होता है. ठीक है, H के left में कहाँ होगा इधर, right में होगा इधर, left में होगा इधर. और वो हम कैसे कर सकते हैं, किसी भी एक इसी एक पॉइंट पे हम वो करते हैं. इसका अगर हमें राइट जानना है तो हम क्या करेंगे, सिंपल टिक बनाएंगे तो ये क्या होता है राइट में, और अगर हम यहाँ से टिक बनाएंगे तो क्या बनेगा उल्टा बनेगा. तो राइट में होगा इधर और लेफ्ट में होगा इधर. ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, उल्टा ही हो जाएगा. जैसे जो राइट में था वो क्या हो जाएगा लेफ्ट में, और जो लेफ्ट में है वो राइट में. ठीक है, तो पूछा क्या है विच विल बी द एट्थ लेटर टू द राइट ऑफ ओ. टू द राइट ऑफ ओ मतलब पहले ओ देखो यहाँ पे ओ. ठीक है, ओ के राइट में हमारे पास क्या है, ओ के राइट में क्या होगा, अब यहां देखो रिवर्स ऑर्डर है तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा हमारे पास, विच विल बी द एट्थ लेटर टू द राइट ऑफ ओ, मतलब ओ से एट नंबर पे और राइट की साइड चलना हमें. ठीक है, एट लेटर पूछा है और किसके राइट ऑफ ओ. ओ हमारे पास यहाँ पे अब राइट तो होता है इधर, लेकिन हमारे पास क्या है ये रिवर्स ऑर्डर है, तो यहां से देखेंगे इधर की साइड ओ उसके एट में, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो 8 पे क्या है जी, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे जी. ठीक है, इन केस अगर रिवर्स ऑर्डर नहीं होता तो ओ के राइट में कहाँ होते इधर, और वहां से हम एट नंबर ढूंढ लेते. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर. अब हमारे पास क्या पूछा है कि लेटर है जो कि 16 है किसके, टू द राइट ऑफ द लेटर, किस लेटर के, विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई. 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई, रिवर्स ऑर्डर नहीं है मतलब सिंपली ऑर्डर है, तो आई कहाँ है हमारे पास यहाँ पे, आई के लेफ्ट में, तो आई का लेफ्ट किधर होगा इधर, और उसके लेफ्ट में क्या है 4th नंबर, 1, 2, 3 एंड 4, फोर्थ कौन सा हो गया ई. ठीक है, तो अब हमें पूछा क्या था विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर. अब हमें वो लेटर निकालना था, यहाँ पे लेटर वो गिवन नहीं है, विच इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ आई, आई के लेफ्ट में जो फोर्थ नंबर है ई जो आया है, इससे अब हमें क्या देखना है इसके राइट में 16th देखना है. ठीक है, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, यहाँ से, और 16th जाना है तो यहाँ से जब स्टार्ट करते हैं फिफ्थ से तो फिफ्थ को काउंट नहीं करते, यहाँ से करते हैं. 16th कहाँ पे आएगा अब, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, तो आंसर विल बी यू. ठीक है, वहां पे क्या था सिर्फ यही कंडीशन थी कि विच विल बी द एट टू द राइट ऑफ ओ. यहाँ सिंपली एक ओ गिवन था और उसके हमें लेफ्ट या राइट में बताना, लेकिन यहाँ पे क्या है अब उस लेटर को भी ढूंढना है जिसके हमारे पास क्या है वो राइट में 16th पूछा था. ठीक है, नाउ एक टर्म होती है कंप्लीट द अल्फा न्यूमेरिक सीरीज. यहाँ पे अब हमारे पास सीरीज है और उनकी मिसिंग टर्म ढूंढनी है. मिसिंग टर्म जब भी हो तो उसमें क्या होता है हमेशा एक पैटर्न बनता है. पैटर्न मतलब जिससे हम वो कर सकते हैं आइडिया कि नेक्स्ट टर्म क्या आ सकती है. यहाँ देखो न्यूमेरिकल दिख रहा है और अल्फाबेट भी दिख रहा है, तो पहले हम न्यूमेरिकल को कंसिडर करते हैं. 2 से कितना हो गया
फोर मतलब दो का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। फोर से कितना हो गया एट, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है फोर का, ठीक है। देन एट से कितना हो गया फोर्टीन, मतलब कितने का डिफरेंस हुआ सिक्स का। तो यहाँ पैटर्न कैसे जा रहा है टू फोर सिक्स, तो अब क्या आ जाएगा एट, यही होगा। अब फोर्टीन में देखो यहाँ पे टू फोर एट एंड फोर्टीन है, मतलब डिफरेंस कितना आया था दो चार एंड छः सिक्स का। अब कितने का डिफरेंस आना चाहिए एट का, तो मतलब फोर्टीन प्लस एट कितना हो जाएगा ट्वेंटी टू, मतलब ट्वेंटी टू इन दोनों में से कोई आंसर आएगा, ठीक है। अब हम अल्फाबेटिकली देखते हैं बी देन सी। अब यहाँ देखो बी यहाँ है सी यहाँ है, मतलब एक का डिफरेंस है। देन सी के बाद ई, सी के बाद ई मतलब यहाँ पे कितने का था डिफरेंस एक का, और सी के बाद ई दो का डिफरेंस हो गया। ई से एच पे गया, ई से कहाँ पे गया एच पे, मतलब तीन का डिफरेंस हो गया। तो एच के बाद किस पे जाएंगे फोर के डिफरेंस पे, तो वन टू थ्री एंड फोर, तो आंसर क्या आ गया ट्वेंटी टू एल, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें भी हमें क्या करना है मिसिंग टर्म ही फाइंड करनी है। यहाँ देखो ए बी एंड डी, मतलब यहाँ पे एक छोड़ दिया ए बी सी डी होता है, लेकिन सी को हमने कंसिडर नहीं करा है, तो ए बी डी मतलब कि बी के बाद क्या एक टर्म छोड़िए। देन ई एफ एच, ई एफ के बाद क्या आता है जी, उसको छोड़ दिया और एच लिख दिया। देन आई जे और के आता है, उसको हमने कंसिडर नहीं करा है, ठीक है। आई जे एल तक आ गया, ठीक है। उसके बाद इसी के बाद वाले टर्म लेनी है एम एन और ओ को हमने कंसिडर करेंगे, पी लिख दिया यहाँ पे यही है। देन पी के बाद क्या है क्यू आर, एस को नहीं लिया तो टी को लिया, ठीक है। अब इस टी के बाद क्या वैल्यू है यू वी डब्ल्यू को नहीं लेंगे और क्या हो जाएगा एक्स, तो यू वी और एक्स कहाँ पे है यहीं पे है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द गिवन नंबर आर चेंज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे अब हमारे पास ये स्पेस इसलिए कि नंबर सारे डिजिट्स क्या है सारी अलग अलग है, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जिसमें हम पहले क्या लिखते हैं छोटा एंड देन बड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे इसी नंबर को हमें करना है, सबसे छोटा क्या है इनमें थ्री, देन फोर है एंड देन फाइव, यही होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसको भी हमें चेंज करना है, तो टू टू फोर ही रहेगा, इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा सिक्स एट सेवन, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा टू थ्री एट, और इसको करेंगे तो दिस। तो इन सब में से कौन सा वैल्यू हाईएस्ट हो रही है, कौन सी है 687, और वो किसके लिए थी हमारे पास 786 के लिए। तो हाईएस्ट वैल्यू किसकी है अब हमारे पास, यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 786 की, ठीक है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, दैट इज फॉर योर होमवर्क, सेम लाइक एज वी डिड टुडे। तो उसी पैटर्न पे ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपको ये सब करने हैं खुद से, ठीक है। सो थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर टुडे। Very pleasant morning to you all. I am Vinita Singh. Welcome to you to our YouTube channel of online classes. In today's video, we are going to write a cursive writing for thought and few lines in our cursive writing. Okay, students. So without delaying, let's start the topic. Firstly, we'll start from the today's thought. Okay, students. So let's start. Student, we have to write. Dawn, firstly put up apostrophe starting columns, so we have to write dawn, d-o-n-t, dawn, base, your decision, d-e-c-i-s-i-o-n-s, decisions on the advice of those who won't have to deal with the results, r-e-s-u-l-t-s, results, put commas. Student, this thought is depicted or says that कि हमें कभी भी अपने decisions को उन लोगों के advice पर, उन लोगों की सलाह पर नहीं छोड़ना चाहिए जिन्हें results की परिणामों की कोई चिंता ही ना हो, फिकर ही ना हो। means कहने का ये है
कि हमें दूसरों की सलाह तभी लेनी चाहिए जब उन्हें किसी चीज़ की फिक्र हो। कई बार केयरलेस लोग जो होते हैं हमें डिसीजंस देते हैं दैट यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट। ओके स्टूडेंट, सो डोंट बेस योर डिसीजन ऑन द एडवाइस ऑफ दोज हु वॉन्ट हैव टू डील विद द रिजल्ट। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर कर्सिव राइटिंग फ्रॉम दिस। इन टूडेज कर्सिव राइटिंग वी विल राइट अबाउट द नॉलेज, फ्यू लाइन्स ऑन नॉलेज। स्टूडेंट, नॉलेज इज अ मीनिंगफुल स्ट्रक्चर। स्टार्ट राइटिंग नॉलेज, के एन ओ डब्ल्यू एल ई डी जी ई। नॉलेज इज अ मीनिंग फुल स्ट्रक्चर, एस टी आर यू सी टी यू आर ई, स्ट्रक्चर ऑफ फैक्ट्स, ऑफ फैक्ट्स। इनटू सम रिलेशनशिप, R E L A T I O N S H I P, relationship, put full stop. Again start from capital letter, that is it reflects, R E F L E C T S, reflects truth, T R U T H, truth about reality, about R E A L I T Y, reality, wisdom is the outcome, wisdom is the outcome of the process, P R O C E double S, process of realization, R E A L I S A T I O N, realization of reality, of reality related to life, related to life, L I F E, life, universe and relationship, E L A T I O N, relationship between the two, between the two. Okay student, देखिए knowledge क्या होता है, ज्ञान जो कि हम book से भी लेते हैं, author मीन्स जरूरी नहीं कि हमें जितनी भी नॉलेज मिल रही है वी आर गेटिंग फ्रॉम द बुक ऑनली। कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ओल्डर पीपल्स जो हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे भी हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो इस पैराग्राफ में मैंने आपको क्या बोला है, कहने का मतलब ये पैराग्राफ आपको क्या शो करता है, नॉलेज जो है वो एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है, सांचा होता है, जिसमें कि रिलेशनशिप किसी भी चीज़ का किसी के साथ भी रिलेशनशिप, जैसे कि हम हमारा बुक के साथ क्या रिलेशन है, हमें हमारे पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, ज्ञान किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है, वो हर एक चीज़ का रियलिटी जो उसका ट्रुथ है, मतलब सच है, वास्तविकता है जो, वो डिपिक्ट करता है। विजडम इज़ द आउटकम ऑफ द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ रियलिटी रिलेटेड टू द लाइफ, यूनिवर्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टू। किसी भी दो पर्सन के बीच में रिलेशनशिप, यूनिवर्स से रिलेशनशिप, हमारा लाइफ के साथ क्या मतलब रिलेशन है, रियलिटी वास्तविकता के साथ क्या मतलब हम जुड़ सकते हैं कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में जो चीज़ भी हम पढ़ते हैं वो हमारा सारा नॉलेज के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट, थ्रू दिस आई एंड अप माय क्लास, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम हिंदी राइटिंग करेंगे, उसमें सबसे पहले हमारा आज का सुविचार है, जो तुम सोचते हो वो हो जाओगे, कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप हो जाओगे। यदि तुम खुद को कमजोर सोचते हो,
अगर आप अपने आप को कमजोर सोचते हो तो आप कमजोर हो जाओगे, और तुम कमजोर हो जाओगे अगर खुद को ताकतवर सोचते हो तो तुम ताकतवर हो जाओगे, और अगर हम अपने आप को ताकतवर समझते हैं तो हम ताकतवर ही हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं हमारा आज का सुलेख। हमारे सुलेख का टॉपिक है आदर्श विद्यार्थी। आदर्श विद्यार्थी व ई द आधा ये आ रे है ई आदर्श विद्यार्थी। तो लिखते हैं इसको आगे कि विद्यार्थी वह होता है जो विद्या ग्रहण करने का इच्छुक हो। विद्यार्थी क्या है? वह ई द ये आ थे ई विद्यार्थी वह होता है, वह है ओ ते आ होता है जो जे ओ जो वह ई दे विद्या ग्रहण गे है रहने ग्रहण करने के रहने करने के आका इच्छुक हो। यह जीवन का जीवन के आका प्रारंभिक पे रे आ रे में भई के प्रारंभिक भाग या काल होता है ओ ते आ होता है। यह जीवन का प्रारंभिक काल या भाग होता है। यह काल ज्ञान संचय करने का होता है। यह के आल काल ज्ञान 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 संचय सनेचे संचय यानी खट्टा के रहने करने के आका। यह काल ज्ञान संचय करने का होता है ओ ते आ होता है। आदर्श विद्यार्थी वह होता है। आदर्श आदर्श विद्यार्थी वह ई दे ये आ रहती विद्यार्थी वह होता है, वह है ओ ते आ होता है जो जे ओ जो जीवन मूल्यों का निर्वाह करता है। जो जीवन जे इवन जीवन मूल्यों में ऊ ले यो मूल्यों के आ का निर्वाह न ई रे वह निर्वाह के रहता करता है। वह प्रातः काल उठकर भ्रमण के लिए जाता है और नियमित रूप से व्यायाम करता है। तो आपको बेटा एक पेज सुलेख लिखना, ये सुलेख लिखना है और सुविचार भी लिखना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे पर्यायवाची शब्द की कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थक शब्द भी कहते हैं। समानार्थक मतलब समान प्लस अर्थ, यानी क्या हो? समान अर्थ हो। तो परिभाषा लिखोगे आप सबसे पहले पर्यायवाची की कि समान अर्थ देने वाले शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। कि अर्थ में क्या होती है? दोनों में
समानता होते हुए भी पर्यायवाची शब्द है जो प्रयोग में सर्वथा एक दूसरे का स्थान नहीं ले सकते। लेकिन ये पर्यायवाची शब्द होते कैसे हैं कि जिस प्रकार से आप मानते हो कि उनका अर्थ सेम होता है, लेकिन वो वाक्य के अनुसार उनका प्रयोग अलग अलग करते हैं। इसी संदर्भ के अनुसार उनका प्रयोग करना उपेक्षित है, उसी के आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है, अपेक्षित है। तो कुछ आपके पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको लिखने हैं, जैसे अग्नि है, अग्नि का पर्यायवाची हो गया अनल, पावक, आग। आपको तीन तीन पर्यायवाची लिखने हैं कि अग्नि का पर्यायवाची है अनल, पावक और आग। दूसरा अमृत, अमृत का पर्यायवाची पीयूष, सुधा, सोम, पीयूष, सुधा, सोम। असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, दानव, राक्षस और दैत्य। अश्व, घोड़ा, तुरंग है, घोड़ा, तुरंग है। आँख है नयन, नेत्र, चक्षु, नयन, नेत्र, चक्षु। आकाश, अंबर, नभ, गगन, अंबर, नभ, गगन। आभूषण है अलंकार, भूषण, जेवर या गहना, क्योंकि इजी है तो वो याद हो तो वो लिख सकते हो। आभूषण में आएगा आपका अलंकार, भूषण, जेवर, गहना। इंद्र के हैं देवेंद्र, सुरेश, सुरपति। इंद्र के पर्यायवाची होंगे आपके देवेंद्र, सुरेश, सुरपति। इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, कामना या लालसा। इच्छा, इच्छा का होगा आपका आकांक्षा, मनोरथ, कामना, लालसा। ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश, परमात्मा, प्रभु, भगवान, जगदीश। उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय या प्रगति। तो आप उत्थान, उत्कर्ष, प्रगति और अभ्युदय याद रहता है, अभ्युदय। कपड़ा, पट, वस्त्र, वसन, अंबर। कपड़ा का होगा आपका पट, वस्त्र, वसन, अंबर। कमल, पंकज, अंबुज, नीरज, सरोज। कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, अंबुज, नीरज, सरोज। कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, रतिपति। लास्ट है आपका किरण, रश्मि, अंशु, कर। किरण का होएगा रश्मि, अंशु और कर। तो आपको ये 15 पर्यायवाची एक बार फिर से देख लो। अग्नि, अनल, पावक, आग, अमृत, पीयूष, सुधा, सोम, असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, अश्व, घोड़ा, तुरंग है, आँख, नयन, नेत्र, चक्षु, आकाश, अंबर, नव, गगन, आभूषण, अलंकार, भूषण, जेवर, इंद्र, देवेंद्र, सुरेश, सुरपति, इच्छा, आकांक्षा, मनोरथ, कामना, ईश्वर, परमात्मा, प्रभु, भगवान, उन्नति, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय या प्रगति, कपड़ा, पट, वस्त्र, वसन, कमल, पंकज, अंबुज, नीरज या सरोज, कामदेव, मदन, मनोज, अनंग, किरण में रश्मि, अंशु और कर। ये 15 आपको नोटबुक में नोट करने और बेटा इसके पर्यायवाची की परिभाषा लिखनी है। दिस इज आवर सोशल साइंस क्लास 4, 6 to 8 एंड आवर टूडेज टॉपिक इज मैप। ओके, मैप मीन्स मानचित्र। सो लेट वी स्टार्ट आवर क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैप्स, कि मानचित्र क्या होते हैं। तो जब हम अपने टॉपिक का नाम ही सुनते हैं तभी हमारे दिमाग में आ जाता है कि अगर मैप है तो मैप होते क्या हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर देखते हैं। मैप्स आर ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्पेरिकल अर्थ ऑन ए फ्लैट पीस ऑफ पेपर, कि अपनी जो स्पेरिकल अर्थ है, जो वल्याकार अर्थ है, उसको एक समतल पेपर के ऊपर रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना मैप कहलाता है, मानचित्र कहलाता है। देखिए, जो अपनी कॉपी है या जो आपके पास कोई पेपर है तो वो क्या है, फ्लैट पेपर है। उसके ऊपर जब हम अपनी अर्थ का एक फोटो बनाते हैं या तो हम ग्लव के रूप में बनाते हैं तो वो तो अर्थ की शेप में ही हो जाता है, तो वो तो अर्थ का ही मॉडल है। लेकिन जब हम उसको सीधा सीधा एक फ्लैट पेपर पे बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। सेकेंड क्वेश्चन है अपना, पीपल हु मेक मैप्स आर कॉल्ड, कि जो लोग मैप बनाते हैं वो
कौन होते हैं या क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कार्टोग्राफर्स, ठीक है? क्या कहलाते हैं? कार्टोग्राफर्स। अब आप कहोगे कि हमने मैप बना दिया तो क्या हम भी कार्टोग्राफर बन गए? नहीं, क्योंकि जो गवर्नमेंट अथॉरिटी के अकॉर्डिंग और एक पर्टिकुलर स्केल और बिल्कुल एक्यूरेट जो मैप बनाते हैं, मीन्स बिल्कुल एक्यूरेट 100% तो नहीं होता लेकिन 99% होता है, ठीक है? तो उनको क्या कहते हैं? कार्टोग्राफर्स कहते हैं। आवर क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैप्स, कि मैप के कितने प्रकार होते हैं? देयर आर मैनी टाइप ऑफ मैप्स, कि मैप के बहुत सारे प्रकार होते हैं, मानचित्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन स्केल एटसेट्रा, कि स्केल या इंफॉर्मेशन के आधार पे, जो एक स्केल मापनी या सूचनाओं के आधार पे। तो कौन से होते हैं? पहला है पॉलिटिकल मैप्स, जिसके अंदर हम अपनी कंट्री और स्टेट दिखाते हैं। मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखाती हूँ, एक पिक्चर दिखाती हूँ। दिस इज आवर पॉलिटिकल मैप, वी फिल आवर स्टेट कैपिटल कंट्रीज इन दिस मैप। ओके स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड इज फिजिकल मैप, कि जो भौगोलिक मानचित्र होते हैं वो क्या होते हैं, या भौतिक मानचित्र क्या होते हैं, जिनके अंदर हम माउंटेन्स दिखाते हैं, रिवर्स दिखाते हैं। ओके, ये मैप हमारा फिजिकल मैप है, जिसके अंदर हम रिवर्स दिखाते हैं, जैसे ये यमुना रिवर है, ये गंगा, सॉरी करनाली रिवर है, ये गंगा रिवर है, ठीक है? माउंटेन्स दिखाते हैं, नंदा देवी है, अरावली है, विंध्याचल रेंज है, सतपुरा रेंज है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना कौन सा मैप है? ये अपना फिजिकल मैप है। आवर नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप इज थीमेटिक मैप, जिन मैप्स के अंदर हम रेनफॉल दिखाते हैं, जो वर्षा होती है वो दिखाते हैं, क्रॉप्स दिखाते हैं कि कौन सी जगह पे कौन सी क्रॉप होती है, या मिनरल्स दिखाते हैं कि कौन सी जगह पे कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारे मैप होते हैं, जैसे कि नेविगेशनल मैप होता है, ठीक है, टोपोग्राफिकल मैप होता है कि कहाँ पे भूमि ऊंची नीची, कहाँ पे ऊंची है कहाँ पे नीची है। तो ये सारी चीज़ें, अलग अलग टाइप्स के मैप होते हैं अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन एंड स्केल। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ ए मैप, कि एक मानचित्र के क्या क्या, मतलब कि कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं, या उसके कौन कौन से अंग होते हैं, मतलब हम मैप बनाते हैं तो हमें कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें लेना है स्केल, कि हमें स्केल, कौन से स्केल पे हम मैप बनाएंगे। इसके भी टू टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है लार्ज स्केल, सेकेंड है स्मॉल स्केल। तो जैसे लार्ज स्केल कौन सा होता है, कि हम 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर के बराबर ही माने, ठीक है? हम अपने स्केल से 1 सेंटीमीटर जब लगाएंगे तो उसको हम 1 किलोमीटर के बराबर ही माने, तो इससे क्या है, मैप बड़ा बनेगा। और स्मॉल स्केल का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर एरिया पे हम 100 किलोमीटर दिखाएं, तो इससे हम चीज़ें तो ज़्यादा दिखा सकते हैं लेकिन उसके अंदर समझ में कम आएगा। जबकि जो लार्ज स्केल मैप होता है, जैसे कि मान लो हमें अपने इंडिया का मैप बनाना है, तो इंडिया का मैप हम कैसे बनाएंगे, स्मॉल स्केल पे बनाएंगे, और अगर हमें अपना एक गुड़गांव का मैप बनाना है या अपने एक गांव का मैप बनाना है तो हम लार्ज स्केल पे बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड है डिस्टेंस, दूरी, थर्ड है डायरेक्शन। अपनी मेन डायरेक्शन 4 है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और ये 4 डायरेक्शंस और जो इनके बीच की होती हैं। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द टॉपिक मैप वेरी वेल। वी मेक आवर मैप in with hand in our notebook in next class. Thank you. Good morning students, myself Jyoti Chaudhary, and today this is for 6 to 8 class. From today onwards we are going to start with some different topics, like tenses we are going to start, and this is for all the classes 6 to 8. So first of all I will tell you what the tense is. Tense kya hote hain? Tense is that form of the verb which tell us about the time of an action. Means hume tense wo batata hai ki jo hamara time hai, jo hume kaam karne ka, jo karya karne ka, jo hamara samay hai, jo time hai hamara,
वो कौन सा है, जो भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी एक्शन काम कर रहे हैं या कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उस टाइम कब कर रहे हैं, प्रेजेंट में कर रहे हैं, पास्ट में किया था या फ्यूचर में करेंगे। प्रेजेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में, और प्रेजेंट टेंस वो होते हैं जो हम प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल जो अभी हमारा चल रहा है समय, उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और प्रेजेंट टेंस में हमारे पास चार टाइप्स होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो हम सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट इज रिलेटेड टू द अफर्मेटिव और पॉजिटिव टेंसेस सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहो या पॉजिटिव सेंटेंसेस कहो, ये वो होते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई, यू, वी, दे, ये सारे हमारे होते हैं सब्जेक्ट्स, ही, शी, इट। इन वर्ड्स को हम यूज़ करके, इन प्रोनाउंस को यूज़ करके हम बनाते हैं सब्जेक्ट। ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट, लाइक, लाइक्स, बंस, बंस। इट मीन्स ये हमारे पास होते हैं, जो हमारे पास जो वर्ब्स होती हैं उनको यूज़ करके, जो हमारे उनको यूज़ करते हैं हम, और उनके साथ जो हमारे वर्ब्स होते हैं उनके साथ एस और ई एस यूज़ करके, लग पुट करके, एस और ई एस लगा के हम उनके फॉर्म को चेंज करके हम प्रेजेंट टेंस में चेंज करते हैं, या पास्ट टेंस में, या फ्यूचर टेंस में। तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट टेंस में यू कैन सी हियर, आई लाइक बंस, जो हमारा लाइक है, जो हमारी वर्ब होते हैं, जो हमारे वर्ब हैं हमारे पास, उन्हें यूज़ करके हम उन्हें यूज़ करके और ये बताते हैं कि वो कार्य जो है वो अभी प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ हम एस और ई एस का यूज़ करते हैं। यू कैन सी हेयर, आफ्टर आई, यू। अब हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, यू कैन सी द एग्जांपल्स। आई एक्सरसाइज ट्वाइस अ वीक, इट मींस जो हम एक्सरसाइज करते हैं वो हम दिन में दो बार, हम वीक में दो बार करते हैं। जो एक्सरसाइज है उसके साथ हमने यहाँ पे जो सब्जेक्ट है हमारा वो सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने यूज़ किया है सिंगुलर वर्ब। दे लाइक वॉचिंग कॉमेडी फिल्म्स, अब इसमें जो दे है वो प्लूरल है, और लाइक वॉचिंग कॉमेडी फिल्म्स, जो हम कॉमेडी फिल्म्स होती हैं उन्हें देखना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट पुट कर देते हैं। जब हम नॉट लगा देते हैं तो डज नॉट या डिड नॉट, इनको यूज़ करके हम नेगेटिव सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं। यू कैन सी हियर, आई डोंट लाइक बंस, ही डजंट लाइक बंस, इसका मतलब होता है मुझे बंस पसंद नहीं हैं। और इनका यूज़ करने के साथ हम जो नॉट यूज़ करते हैं वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। लाइक दिस आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स हियर, सी द एग्जाम्पल्स। अर्पिता डज नॉट नो स्विमिंग, अर्पिता को स्विमिंग नहीं आती, उसको वो नहीं जानती कि हम जो स्विमिंग करते हैं वो कैसे करते हैं। नेक्स्ट वी हैव, इट डजेंट स्नो इन पुर्टोरिको, इसका मतलब होता है कि इट डजेंट स्नो, इट मीन्स डजेंट स्नो इन पुर्टोरिको। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिनके साथ हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। फर्स्ट है हमारे पास डू, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो हम स्टार्टिंग ऑफ द, उसको हम सब्जेक्ट यूज़ एज अ, मतलब सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट को बाद में, तब हमारे पास क्वेश्चंस पुट होंगे और उन्हें हम क्वेश्चन मार्क एंड में लगाएंगे। यू कैन सी डू और डज,
इन दोनों वर्ड्स के साथ आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये सेंटेंस के बिगनिंग यानी कि सेंटेंस के सबसे पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, देन हमारे पास वर्ब. डज मीरा लाइक इन लिव इन लंडन. डज योर फादर ड्राइव अ कार. डू यू कुक एवरी डे. डू दे गो टू स्कूल ऑन सैटरडेज. तो आपको मैं अभी इनकी फॉर्मेशंस बताऊंगी कि इनकी फॉर्मेशंस कैसे बनानी है आपको. नाउ यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स यू हैव टू डू लाइक दिस. अब आपको काम कैसे करना है, सबसे पहले आप टेंस की डिफाइन लिखेंगे कि टेंस जो अभी मैंने बताया आपको, उस टेंस की डिफाइन लिखेंगे. उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस के साथ आप डालेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस के बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ये फॉर्मेशन है आपके पास, इसके साथ आप एक एग्जांपल लिखेंगे. देन नेगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन एग्जांपल. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मेशन एंड देन एग्जांपल. लाइक दिस यू हैव टू मेक योर नोटबुक एंड डू दीज क्वेश्चन दिस वर्क इन योर फेयर नोटबुक ऑफ ग्रामर. थैंक यू एवरीवन. This is for all the classes 6 to 8. Remember this thing. This is for all the classes 6 to 8.